नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी शनि षड्साथी का सामना करना ही पड़ता है। शनि की ये महादशा एक साथ तीन राशियों पर चलती है। इसके तीन चरण होते हैं और हर चरण की अवधि 2.5 साल की होती है। ज्योतिष अनुसार शनि षड्साथी के दौरान व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शनि की ये दशा काफी फलदायी साबित होती है। इस दौरान काफी कष्टों का सामना करना पड़ता है। 2022 में शनि राशि बदलने जा रहे हैं। जानिए इस दौरान किस राशि वालों को शनि षड्साथी से मुक्ति मिल जाएगी। शनि का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल 2022 में होगा। इस दौरान शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में शनि के गोचर शुरू करते ही धनु राशि वालों को शनि षड्साथी से मुक्ति मिल जाएगी। शनि षड्साथी से छुटकारा मिलते ही इस राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। अचानक से धन की वृद्धि में आसार होंगे। आगे का भरपूर साथ भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो जाएगी और हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने के प्रबल आसार दिखाई दे जाएंगे। शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही मीन राशि के जातकों पर शनि की षड्साथी शुरू हो जाएगी। वहीं 2022 में मकर और कुंभ वालों को पर भी शनि षड्साथी रहेगी। इसके अलावा मिथुन और तुला वालों को नए साल में शनि ढैया से छुटकारा मिल जाएगा और कर्क और वृश्चिक वालों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। 12 जुलाई 2022 में शनि की वक्री अवस्था में अपनी पिछली राशि मकर में फिर से गोचर करेंगे और 17 जनवरी 2023 तक इस राशि में मौजूद रहेंगे, जिससे धनु राशि के जातक फिर से शनि षड्साथी की चपेट में आ जाएंगे और वहीं मीन राशि वालों को शनि की इस दशा से राहत मिल पाएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।